हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडा का फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनके मॉक टेस्ट पेपर्स अब भी सीरीज वन कंडक्ट हुए हैं, सर उस सीरीज वन में जो टैक्सेशन का पेपर है उसके जो एमसीक्यू है, जो केस स्टडी बेस्ड होते हैं और जो नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं, वो एमसीक्यू अपन क्या करेंगे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना, फ्रेंड्स तक शेयर करना और आराम से ध्यान से सुनना, क्योंकि सर अगर आपने इस वीडियो को दो बार सुन लिया तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया या यही क्वेश्चन आया तो आपसे एग्जाम में बन जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनना, पूरा फोकस मेरे तरफ रखना, ठीक है? और प्लीज ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर एमटीपी है, कई बार इसी के क्वेश्चन छप जाते हैं सर, तो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो टेक्निक मैं बताऊंगा सर एमटीपी में केस स्टडीज या एग्जाम में केस स्टडीज सॉल्व करने की, ये टेक्निक अप्लाई करके देखना, इससे रिजल्ट अच्छे आते हैं, ठीक है? तो सर देख लो, टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट की है, सितंबर 2022। अपना मॉक टेस्ट पेपर कौन सा है? पहला है। देखते हैं आराम से सर, अपन को क्या देखना है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो सर, पहला आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है डिवीजन ए में। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ये करते हैं सर कि डायरेक्टली क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरी टेक्निक थोड़ी अलग है सर। अच्छा, एक स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट बात, सर अगर आपको इनकम टैक्स जीएसटी मैराथन देखना है तो मैराथन भी इस सर इस चैनल में आपको इनकम टैक्स जीएसटी सबके मैराथन में मिल जाएंगे। मैंने अभी रिसेंट में मैराथन लिया था, तो रिसेंट में आप चाहो तो वो मैराथन को भी देख सकते हो, ताकि कोई आपका चैप्टर हो जो कवर नहीं हुआ हो, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हुई है, तो वहां से कवर अप कर सकते हो सर। चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। ध्यान दो, कई स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करते हैं, केस स्टडी पढ़ना चालू कर देते। दिस इज द रॉन्ग मेथड, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ो। सर आप क्वेश्चन पढ़ने क्यों बोल रहे हो? जब आप इसका क्वेश्चन पढ़ोगे ना सर, तो आपको एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि केस स्टडी में हमारे से क्या पूछ सकता है, किस टाइप के कंटेंट में हमें ध्यान देना है, क्या हमारे पास रिलेवेंट क्वेश्चन थे सर। इससे जो आपका एक माइंड का थॉट प्रोसेस होता है ना, वो बहुत अच्छा होगा। तो पहले कभी भी क्या करो, क्वेश्चन पढ़ लो। देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 अवेलेबल टू मिसेस शालिनी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। मतलब ये हमसे चैप्टर 6 की डिडक्शन पूछने वाला है। आ गया हो सर, ये हमसे ग्रॉस टोटल इनकम भी पूछने वाला है शालिनी की, ओके। फिर ये हमसे नेट टैक्स पेबल भी पूछेगा, वेरी सिंपल। उसके बाद हमसे टोटल इनकम पूछता है अगर ये 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं तो, और नेट टैक्स पेबल भी पूछेगा अगर ये 115 बीएससी ऑप्ट करते तो। अब क्या हुआ, मेरा माइंड जो है ना, एक थॉट प्रोसेस जो है ना, उसको एक प्रॉपर राह मिल गई है कि कैसे चलना है। तो सर वो बहुत हेल्प करता है जब हम केस स्टडी पढ़ते हैं तो। चलो अब केस स्टडी पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो सर केस स्टडी क्या बोलती है, शालिनी इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन है भाई ये, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ध्यान रखना। शी वॉज बॉर्न ऑन 1/4/1942, ध्यान दो सर, इन इंडिया। शी इज रिसाइडिंग इन दिल्ली, दिल्ली में रिसाइड करती है सर। शी स्टेड विद हर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, एल्डर सन मिस्टर नकुल फ्रॉम 1 May 2021 टू 15 October 2021। पहले तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो सर, 1942 की लेडी है सर ये, ठीक है? अभी चल रहा है सर 2022, तो कितने साल हो गए सर, 42 से लेके 2000 तक हो गए 58 years। अगर अपन इसको 2000 तक कैलकुलेट करें तो सर ये हो गए 58 years, और सर 22 years इसके, तो 58 plus 22 कितना हो गया सर, 80 years। तो ये जो लेडी है ना सर, ये 80 years की एज वाली है। अब आप बोलोगे सर इसका क्या रिलेवेंस है, इसका रिलेवेंस ये है क्योंकि नीचे अपन को क्या करना है, टैक्स पेबल भी निकालना है। तो टैक्स पेबल निकालने के लिए हमें स्लैब देखना पड़ता है, और स्लैब के लिए सामने वाले की एज पता होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि ये जो लेडी है ना सर, इसकी एज कितनी है, इसकी एज है 80 years। ये समझ आया? आगे देखो, शी इज रिसाइडिंग इन दिल्ली, शी स्टेड विद हर एल्डर सन मिस्टर नकुल फ्रॉम 1 May 2021 टू 15 October 2021। तो सर 21 से लेके 22 इस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, इस प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। इस प्रीवियस ईयर में 1 May से लेके 15 October तक वो अपने एल्डर सन नकुल के साथ रहती है, हु इज रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। अब नकुल के साथ कहां पर रहती है, ऑस्ट्रेलिया में। तो सर ध्यान दो, एक साल में 365 दिन, और 365 दिन में से सर 1 May से 15 October तक कितने दिन होते हैं सर, देखो मे के हो गए 31, क्योंकि फर्स्ट को भी इंक्लूड करेंगे, मे, जून, ठीक है, फिर जुलाई, फिर हो गया अगस्त, फिर हो गया सितंबर के कितने दिन है सर, सितंबर में पूरे दिन है, प्लस अक्टूबर, अक्टूबर के कितने हो गए 15। तो सर ये 168 days ऑस्ट्रेलिया में रही है,
तो सर इसको माइनस कर लो 365 से, तो ये आ जाएगा 197। तो सर ये 197 डेज इंडिया में रही है। और याद है बेसिक कंडीशन अपन क्या पढ़ के आए थे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बेसिक कंडीशन ये बोलता है कि 182 डेज देखा जाएगा सर। तो क्या ये 182 डेज से ज्यादा है? यस सर, ये तो 197 डेज रही है। तो क्या ये लेडी रेसिडेंट कहलाएगी? यस सर, शालिनी रेसिडेंट कहलाएगी। यहां तक समझ आया बेटा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। She stayed in India for 361 days during the four previous year. इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है सर। क्यों? सिंपल है सर, ये बेसिक पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई कर ली, तो हमें और वाली जो दूसरी कंडीशन है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखो, ड्यूरिंग प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 पेंशन ऑफ 7,15,461 इज क्रेडिटेड इन हर अकाउंट विद द SBI उत्तम नगर ब्रांच दिल्ली। इसको मैम क्या मिलती है? इसको मिलती है पेंशन, मैम को मिलती है पेंशन, ध्यान देना सर, आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। ओ माय गॉड, इसकी पेंशन में क्या TDS कट गया है? यस सर, ध्यान रखना सर। तो जब अपन टैक्सेबिलिटी देखेंगे, टोटल इनकम निकालेंगे, तो अपन ग्रॉस अमाउंट लेंगे सर, TDS अमाउंट को एड करने के बाद लेंगे सर, ये बात का ध्यान रखना। शी रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 4,352 ऑन हर सेविंग बैंक अकाउंट विद द SBI। सर इंटरेस्ट भी मिलता है सेविंग से। She also received interest of 67,500 on FD with the Canara Bank in the month of April 2021. अब देखो, जितने भी स्टूडेंट है, विश्वास करो जो भी स्टूडेंट है MTP का ये क्वेश्चन करेगा, ये एक पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट को क्लिक ही नहीं करेगा। बाकी कोई पॉइंट इस पूरी केस स्टडी में टफ नहीं है सर, ये एक पॉइंट है जहां मेरे को लगता है स्टूडेंट भूल सकता है सर। अगर आपको याद हो तो हम सेक्शन 194A पढ़ के आए थे सर। सर ये क्या था? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194A हुआ करता था TDS का, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। उसमें हमने ये पढ़ा था सर कि अगर 50,000 से ज्यादा सीनियर सिटीजन के केस में, ये तो ATS वाली है सर, सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में, अगर 50,000 से ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो सर आपका TDS कितना कट जाएगा? 10%। तो सर यहां पर इसको इंटरेस्ट कितना मिला है सर? 67,500। जब ये अमाउंट दिया हुआ है कि शी ऑल्सो रिसीव, तो सर जब इसको पैसा मिला होगा तो क्या पैसा TDS काट के मिला होगा? यस सर, TDS काट के मिला होगा। तो सर ये जो 67,500 आप देख रहे हो ना सर, ये 90 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा? करना पड़ेगा सर, 67,500 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 100, ये आ जाएगा सर 75,000। समझ आया? तो इसकी इंटरेस्ट की इनकम कितनी आ गई सर FD से? 75,000। ये काम आएगी सर। सर ये क्यों काम आएगी? अगर आपको याद हो तो हमें इस क्वेश्चन में डिडक्शन में निकालना है, और डिडक्शन में अगर आपको याद हो तो डिडक्शन में एक डिडक्शन होती थी ATTTB, ये सीनियर सिटीजन के लिए होती थी सर, जहां पर अपन को 50,000 तक का इंटरेस्ट मिल जाता था, ये उसके लिए रिलेवेंस रहेगी सर, उसके लिए काम आएगी, ध्यान दो। अगला देखो सर, शी ऑल्सो परचेज 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हर सन मिस्टर यूवन एंड मैरिड डॉटर मिसेस काजल, द डिटेल ऑफ विच आर एज फॉलोस। मिस्टर यूवन एज 50 ईयर्स, ठीक है। देखो सर, पॉलिसी कब परचेज की गई है? 15/10/2020 सर। क्या पॉलिसी के लिए डेट देखना रिलेवेंट है? यस सर, आपको पॉलिसी के लिए एग्जाम में डेट्स देखनी चाहिए, क्योंकि सर अगर पॉलिसी 1/4/2012 के पहले की हुई तो 20% होगा, 1/4/2012 के बाद की हुई तो प्रीमियम कितना परसेंट अलाउड है? 10%। तो देखो सर, डेट ऑफ प्रीमियम ऑफ पेमेंट सर, सम एश्योर्ड। अब सम एश्योर्ड सर क्या 1/4/2012 के बाद का है? यस सर। तो इसका प्रीमियम कितना अलाउड है सर? इसका प्रीमियम सिर्फ 10% अलाउड है। कौन से सेक्शन में? ATC में। अपन पढ़ के आए सर, ATC बोलता है 10% ही प्रीमियम दूंगा। तो सर इसने तो प्रीमियम दे दिया है 1,388,000 का, बट इसको प्रीमियम मिलेगा सर 9, देखो ये वाला प्रीमियम तो नहीं मिलेगा सर, इसको प्रीमियम मिलेगा 9,846, और आप इसको राउंड फिगर कर सकते हो 6। समझ आया? देखो सर, मिसेस काजल 45 ईयर्स ओल्ड, इसकी डेट ऑफ पॉलिसी दी हुई है, प्रीमियम पेमेंट सर 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना होता है सर? 20,000। इसने कितना पे किया है? 70,000। क्या ये पूरा मिल जाएगा? यस सर, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। शी हैज टेकन अ मेडिकल इंश्योरेंस, देखो क्या बोला हुआ है, शी हैज टेकन अ मेडिकल इंश्योरेंस
for herself on which she has paid 35,000 towards the health insurance premium by account pay check. Very good. सर इसकी एज 80 इयर्स है सर, तो क्या इसको 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है ATD में? यस सर, इसने तो 35,000 ही पे किया है, कोई बात नहीं मिल जाएगा. She incurred 7,500 towards preventive health checkup of herself and her husband in cash. सर सर सर, क्या preventive health checkup cash पे अलाउड था? यस सर अलाउड था, पर सर 7,500 अलाउड नहीं था, मैक्सिमम कितना अलाउड था सर? 5,000 ही अलाउड था. तो इसको कितना कितना मिल जाएगा? एक 35,000 मिल जाएगा और एक 5,000, तो दो अमाउंट मिल जाएगी सर इसको. एक है 35 प्लस एक है 5, मतलब टोटल 40 के मिल जाएगा. ये समझ आया? आगे देखो. She also incurred a medical expenditure of 25,000 in cash. Sir, sir, cash में medical expenditure किया है. क्या ये मिलता है? No sir. Medical expenditure cash में allowed नहीं है. सिर्फ preventive health checkup का cash में allowed होता है sir. In the month of January 2022, for her husband. मिलेगा ही नहीं sir. In the month of March 2022, she incurred medical expenditure of 10,500 for herself, which is paid by account paycheck. Sir. अगर ये अपना मेडिकल प्रीमियम करवा चुकी है तो क्या मेडिकल एक्सपेंडिचर और मिल जाएगा? नो सर. सरकार बोलती है भाई या तो तू मेडिकल पॉलिसी का पैसा क्लेम कर ले या तो तू एक्सपेंडिचर क्लेम कर ले, दोनों क्लेम नहीं कर पाएगा. देखो सर, she has given a wristwatch of 10,000 on her husband 85th birthday. सर अपने हस्बैंड को 10,000 के wristwatch दिए, ठीक है, ओके. हर हस्बैंड इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22. एज सच क्वेश्चन में सर हमने क्या पढ़ा था? इसकी सर शालिनी की टोटल इनकम, शालिनी का डिडक्शन, शालिनी के लिए रिलेटेड टैक्स, हस्बैंड का तो कुछ देखना ही नहीं है, तो सर उससे रिलेवेंस ही हमारा बनेगा नहीं. मिसेज शालिनी डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 115 BAC. अगर ये 115 BAC ऑप्ट नहीं करती है तो इसके हिसाब से पहले आंसर निकालो, बाद में 115 BAC के हिसाब से भी निकालेंगे. तो देखो सर, वॉट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A? तो चैप्टर 6A के अंदर इसको कितनी डिडक्शन मिलेगी? आराम से सिंपल कैलकुलेट करते हैं, हड़बड़ाना नहीं है सर, आराम से कैलकुलेट करेंगे सर. इसको हमें डिडक्शन निकालना है, तो पहले तो सर ये जो इंटरेस्ट वाली बात है, क्या इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी? यस सर. पहले तो देखो सर, ATTBT कितना मिल जाएगी सर? 50,000. ये क्लियर हुआ. प्लस सर क्या ATC वाली भी मिल जाएगी? यस सर, ATC में ये दो अमाउंट मिल जाएगी सर. एक तो ये वाली अमाउंट मिल जाएगी, पेंट तो बहुत मोटी हो गई, ठीक, एक ये वाली मिल जाएगी और एक 17,000 मिल जाएगी. तो सर दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 98,466 प्लस 17,000 तो ये आ जाएगा सर हमारा 115,466 प्लस ATD. मेडिकल भी तो किया ना मैम ने, तो 35,000 प्लस 5,000 कितना? 40,000 मेडिकल मिल जाएगा. यस सर, आप प्लस कर लो सर 40,000, तो ये कितना आ रहा है सर? प्लस 40,000 प्लस 50,000 ये आ रहा है सर, देखो 20 ये आ रहा है सर, 205,466. आप लोगों का भी क्या यही डिडक्शन आ रहा है सर? सबको करना है कंप्यूट, एक बार कैलसी में हाथ चला लो, दिमाग में बैठ जाएगा सर, एक बार तो प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, एग्जाम में नहीं तो रिस्की होता है, ठीक है. अगला देखो, व्हाट वुड बी द ग्रॉस टोटल इनकम. अब आपसे क्या पूछ रहा है? GTI, ग्रॉस टोटल इनकम पूछ रहा है. सिंपल है सर, क्या ये पर्सन को सैलरी की इनकम होती है? यस सर, सैलरी की इनकम होती है. कितनी होती है? देखो सर, ये देखो 7,15,461 और इसमें ये TDS भी डिडक्ट हुआ था, तो अपन इसको ऐड कर लेते हैं. 7,15,461 प्लस 14,565 ये आ जाएगा सर 7, ध्यान दो, 730,026 ये इसकी सैलरी की इनकम है, ठीक है. फिर क्या इसको इंटरेस्ट की भी इनकम होती है? यस सर, देखो इंटरेस्ट की भी इनकम है, इसको अपन यहां पर ऐड कर लेते हैं. इंटरेस्ट की इनकम जो इसको IUS में हुई है सर, कितनी हुई है? 4,352 प्लस 6. सर आप जब ये इंटरेस्ट की इनकम लोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि सर 67,500 मत ले लेना. क्यों? क्योंकि इसमें TDS डिडक्ट हो गया है, तो अपन कितना लेंगे सर? 75,000. ये चीज का ध्यान रखना, ये गड़बड़ होने के चांसेस हैं एग्जाम में, बहुत गड़बड़ होने के चांसेस है. तो इसका ये आ जाएगा, हमने दो अमाउंट ऐड करी सर, एक तो 75,000,
एक एस आर इसका इंटरेस्ट कितना था, 4352, तो इसका टोटल इंटरेस्ट आ रहेगा सर 79352। ठीक है, अब चलो इसको ऐड करते सर 79352। और कोई इनकम है क्या मैम की? और कोई इनकम नहीं, और कोई इनकम नहीं है। तो सर ये दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों को ऐड करके कितना आएगा सर, प्लस 730026, ये आ जाएगा सर 80, ठीक है, 9378। सर ये इसकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, समझ आया? ये सिंपल था सर, इसकी ग्रॉस टोटल इनकम देखो सर ये रही, क्लियर हुआ सबको? अब इसका क्या निकालना है सर, नेट टैक्स पेबल निकालना है। तो सर देखो हमें क्या क्या क्वेश्चन में पता है, हमें पता है सर ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम हमने अब भी निकाली 809378 माइनस डिडक्शन, हम निकाल के आए सर डिडक्शन कितना था, देखो 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 ये रहा, ये डिडक्शन की अमाउंट थी सर 205466। अच्छा 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 एक चीज और ध्यान देना सर, एक चीज, एक गड़बड़ है सर, एक बात ध्यान दो आप इसमें, एक बात की ये गड़बड़ है कि हमने क्या नहीं किया, हमने सर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं किया सर सैलरी का। ध्यान दो सर, यहाँ पर सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो लेना था सर हमको, तो सर सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप इसमें माइनस कर लो -50,000, तो ये आ जाएगा सर 759378। सर ये हम भूल गए थे, ग्रॉस टोटल इनकम में हमें क्या माइनस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए सर, सी आएगा हमारा ऑप्शन, बैठा दिमाग में। उसके बाद देखो सर नेट टैक्स पेबल, नेट टैक्स पेबल जब हमें कंप्यूट करना है तो सिंपल है सर, कितना इसकी ग्रॉस टोटल इनकम है सर, ये इसकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, इसमें माइनस कर दो सर डिडक्शन, डिडक्शन कितनी है सर अभी हमने ऊपर कंप्यूट किया 205466, देखो सर 205466, तो इसको माइनस कर लो 205466, ये आ जाएगा सर 553912, ये इसकी टोटल इनकम आ गई सर। अब इस टोटल इनकम में हमें टैक्स निकालना है, तो सर याद रखना है इस बंदी की एज कितनी है सर 80 इयर्स, तो इसके लिए स्लैब क्या होगा 5 लाख वाला, तो पहले 5 लाख तक क्या हो जाएगा निल, इसमें 5 लाख माइनस कर लो तो इसका निल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 53912। और इस पे कितना परसेंट है सर, इस पे आ जाएगा 20% सर, माइनस कर लो 5 लाख, और ये जो बचा इसका 20% 20% आ जाएगा सर 10782 प्लस 4% एजुकेशन सेस, 4% एजुकेशन सेस जोड़ने के बाद आ रहा है ये जोड़ने के बाद आ रहा है सर 11214, ठीक है मैंने राउंड फिगर कर दिया 11214, ये इसका टैक्स पेबल निकल रहा है। पर सर 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 इसने तो टीडीएस भी पहले ही डिडक्ट करवाया हुआ है, इसने पहले ही टीडीएस दिया हुआ है, तो देखो सर इसने टीडीएस कितना दिया है 14565, देखो सर ठीक, तो देखो उसका टीडीएस कितना, ये इसका नेट टैक्स पेबल निकला। अब इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, उसने कितना टीडीएस दे दिया सर, उसने कितना टीडीएस दे दिया देखो सर 14565, और प्लस देखो सर ये वाला भी तो टीडीएस का अमाउंट उसने दिया था सर, किसमें दिया था सर, इसने टीडीएस का अमाउंट यहां पर भी तो दिया था सर, क्योंकि सर 75,000 का 10% टीडीएस काटे थे तब तो ये आया था सर, तो इसने कितना टीडीएस यहां पर भी दे दिया है 7500, तो इसने टोटल टीडीएस कितना पे कर दिया है, वेरी सिंपल सर, एक तो 7500 पे कर दिया है, एक और अमाउंट माइनस होगी जो सैलरी का टीडीएस था 14565, तो सर 14565, तो इसका कितना आ जाएगा नेट टैक्स पेबल माइनस 7500 माइनस 14565, ये आ रहा है सर 10851 आ रहा है, आप इसको राउंड फिगर करोगे तो सर 10850, समझ आया इसका नेट टैक्स पेबल आया, क्लियर हुआ सबको? अब आगे देखो सर, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस शालिनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इफ शी ऑप्ट फॉर द पे टैक्स अंडर 115BAC। सर आपको टोटल इनकम निकालना है। अब देखो सर मजेदार कहानी है सर, अब यहां पर जब आप टोटल इनकम निकालोगे ना सर, तो ये जो आप डिडक्शन लियो सैलरी की, वो चैप्टर सर अंडर सेक्शन 16 जो 50,000 की डिडक्शन लियो, ये क्या 50,000 की डिडक्शन मिलेगी? नहीं सर, 115BAC अगर कोई ऑप्ट करता है तो उसको सैलरी के अंदर
सेक्शन 16 की डिडक्शन नहीं मिलती। तो सर ध्यान दो सर, फिर उस केस में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? देखो ये वाली इनकम हो जाएगी 809378, एक मिनट रुको, 9378 आ गया सर। क्या ये इसकी ग्रॉस टोटल इनकम थी? यस सर। क्या यही इसकी टोटल इनकम भी हो जाएगी? यस सर। क्यों सर डिडक्शन माइनस नहीं करोगे? आपको पता होगा सर अगर 115 बीएसी अगर अपन ने ऑप्ट किया है तो सर अपन को 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन नहीं मिलती है, एक्सेप्ट ATP, एक्सेप्ट ATP अपन को कोई डिडक्शन नहीं मिलती, ध्यान रखने वाली बात। तो सर डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो क्या यही हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हमारी टोटल इनकम हो जाएगी? यस सर। बस इसको राउंड फिगर करना रहेगा सर, तो ये आ जाएगा सर 809380, ये हमारी क्या आ गई? टोटल इनकम आ गई। आगे देखो सर, व्हाट वुड बी द नेट टैक्स पेबल? अब आपसे बोल रहे हैं नेट टैक्स पेबल क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, इफ शी ऑप्ट फॉर 115 बीएससी, तो सर अगर 115 बीएससी ऑप्ट करती है तो इसके लिए स्लैब कैसा एप्लीकेबल है? याद है ना, पहले 2.5 लाख तक निल, ठीक है, अगले 2.5 लाख पे 5%, याद है ना ये वाला स्लैब? चलो सर स्लैब लगाएंगे। तो सर ये इसकी इनकम है 809380, चलो अलग से निकालते हैं नहीं तो यहां पर कचरा हो जाएगा। 809380 ये इसकी टोटल इनकम आ गई सर। अब अपन को इसमें स्लैब अप्लाई करना है, तो अपन क्या करते हैं सर, पहले 2.5 लाख इस पे निल है, कहानी खत्म। तो सर माइनस कर लेते हैं इसको 809380 माइनस 2,50,000, ये आ जाएगा सर 559380, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000 में कितना परसेंट है सर? 5%, चलो सर। तो ये 5% कितना हो जाएगा सर? ये आ जाएगा 12,500, फिर इसको माइनस कर लेते हैं सर 2,50,000, ये आ जाएगा सर 309380, इसमें माइनस कर लेते हैं नेक्स्ट 2,50,000, ठीक है, इस पे कितना परसेंट है? 10%, तो ये आ जाएगा 25,000। तो ये माइनस करने के बाद कितना आ रहा है सर 2,50,000, ये आ रहा है 59,380। अब जो बैलेंस बच गया 59,380 सर, इस पे कितना परसेंट लगेगा? इस पे लगेगा 15%, तो 15% कितना आएगा सर इसका? 15% 8,907। अब अपन क्या करेंगे सर, इसको ऐड कर देते हैं, प्लस 25,000 प्लस 12,500, ये आ रहा है सर 46,407, ये टैक्स आया, प्लस 4% एजुकेशन सेस प्लस 4%, तो ये आ जाएगा सर 48,263। देखो सर ये इसका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा सर। अच्छा नेट टैक्स पेबल ये जो आया है इसमें आप अभी आप क्या माइनस करोगे सर? टीडीएस के अमाउंट सर, टीडीएस जो आपने पे किया है, टीडीएस कितना पे किया है सर याद करो। अभी अपन ऊपर टीडीएस के अमाउंट देख के आते सर, ये देखो ये जो दो अमाउंट थी क्या ये टीडीएस पेड वाली अमाउंट थी? यस सर। तो ये दो टीडीएस वाली अमाउंट माइनस कर देते हैं अपन इसमें से, माइनस करेंगे सर 7500 माइनस 14 कितना था यार 565 ना, तो 565 ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो सर, माइनस 7500 माइनस 14565, ये आ जाएगा सर 26198। और इसको अगर आप राउंड फिगर कर लो तो देखो सर ये आपका आ गया 26200। ये समझ आया? पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। मेरे को जो लगता है स्टूडेंट अगर फंसने के चांसेस है, जहां पर स्टूडेंट से गलती हो सकती है, एक ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मत भूल जाना अंडर सेक्शन 16, और दूसरा जो मेरे को लगता है स्टूडेंट ये टीडीएस वाला पॉइंट जो भूल सकते हैं इंटरेस्ट वाला, ये दो पॉइंट है जो स्टूडेंट अगर याद रखे तो सर इससे आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ? चलो सर अब सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। ध्यान दो सर सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाना है, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन टू क्या बोलते हैं, रुद्रा लिमिटेड हैज टू यूनिट, वन यूनिट एट SEZ एंड अनदर यूनिट एट DTA। ध्यान देना सर, द यूनिट इन SEZ वाज सेट अप एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 22 मई 2018। सर जिस साल इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्टार्ट किया था सर, क्या पहले 5 साल 100% प्रॉफिट अलाउड है? यस सर। तो 18 से अगर 5 साल गिनोगे तो ये 23 तक आ जाएगा। तो सर क्या इसका अभी पहले 5 साल ही चल रहा है? यस सर। तो जितना भी प्रॉफिट है
वो 100% अलाउड हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना सर, ये कौन सा सेक्शन बोला है, 10AA एंड द यूनिट इन DTA फ्रॉम 10/7/2019, ठीक है। टोटल टर्नओवर ऑफ रुद्रा लिमिटेड, सर टोटल टर्नओवर है, ध्यान देना, ध्यान दो सर, बहुत ध्यान दो नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। टोटल टर्नओवर ऑफ रुद्रा लिमिटेड एंड यूनिट इन DTA इज 7.50 crore एंड 2.75 crore। तो DTA का अलग दिया है और सर टोटल टर्नओवर अलग दिया है, सिंपल सा कंसेप्ट है। सर आपको टोटल टर्नओवर दिया है, DTA का दिया है, तो सर क्या हम इससे SEZ का टर्नओवर निकाल लेंगे? यस सर निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल सर, टोटल टर्नओवर कितना है सर? 7.50 crore, ठीक है। एक सेकेंड, 3, 2, 5 और 1, 6 सर माइनस कर लो इसमें DTA वाला टर्नओवर, DTA वाला टर्नओवर कितना है सर? 2.75 crore, ठीक। आप इसको माइनस करोगे तो ये SEZ का टर्नओवर आ जाएगा, कितना आएगा सर? करना पड़ेगा 7.50 crore माइनस 2.75 crore, तो ये आ जाएगा सर 4.75 crore। इतने का टर्नओवर आ जाएगा सर, जीरो का ध्यान देना नहीं तो गड़बड़ जाएगी, ठीक है। ये SEZ का टर्नओवर आ गया, क्लियर है। उसके बाद देखो सर, एक्सपोर्ट सेल ऑफ यूनिट इन SEZ, सर एक्सपोर्ट सेल दी हुई है, देखो एक्सपोर्ट सेल दी हुई है, ये एक्सपोर्ट सेल ऑफ यूनिट इन SEZ कितनी दी हुई है सर? 3.25 crore। सर DTA वालों से अपन को कोई मतलब नहीं होता, सिंपल सा लॉजिक है सर हमें, क्योंकि जब 10AA की एग्जेम्पशन निकालना रहता है, डिडक्शन निकालनी रहती है, तो सर सिंपल सी बात है, DTA से हम क्या करेंगे सर? DTA का एक्सपोर्ट सेल दिया हुआ है सर एंड DTA की सेल दी हुई है सर 1.50 crore रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, यूनिट इन SEZ दिया हुआ है 60 lakh। चलो सर बहुत सिंपल। तो सर 10AA की जब अपन एग्जेम्पशन निकालेंगे तो बहुत सिंपल है सर, पहले तो एक्सपोर्ट सेल कितनी है सर? 3.25 crore। सर इसकी SEZ की टर्नओवर कितनी है सर? 4.75 इनटू सर SEZ का प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट है 60 lakh। तो सर ये कितना आ जाएगा? देखो ये 0.60 है ना, क्योंकि करोड़ में चल रहा फिगर, तो इसको अपन 0.60 लिखते हैं, 0.60। तो ये आ जाएगा सर 3.25 × 0.60 / 4.75। ये आ जाएगा सर, आप इसको करोगे तो सर ये आएगा 0.41052 63। सर आपने ऐसा क्यों लिखा है सर? क्योंकि ये फिगर करोड़ में, आप इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना सर 1 crore से, तो आपका ये वाला पहला वाला आंसर आ जाएगा सर 41 lakh का। समझ आया? बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में टिपिकल। अगला देखो सर, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखो। मिस्टर लक्ष्मण बॉर्न ऑन 1/4/1962, सर 1962 का बॉर्न है, तो सर 1962 से लेके 2022 तक क्या 60 इयर्स की एज हो जाएगी? यस सर, ये बात का ध्यान रखना। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 2,85,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 कंप्राइजिंग ऑफ हिज सैलरी इनकम, ध्यान रखना सर सैलरी इनकम है। इट इज नॉट क्लेम एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ओके। ही पेज इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 10,000 पर मंथ, तो सर 10,000 पर मंथ पे करता है, तो 10,000 इंटू 12 करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 1,20,000, इतने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है सर ये। He made a visit to Canada along with his wife for a month in January 2022 for which he incurred to and fro flight charges. मतलब जाना आना कितना है सर? 1,20,000, ठीक है। The remaining expenditure for his visa stay and sightseeing amounted to ₹70,000. Sir, and was met by his son residing in Canada. मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊंगा सर। Mr. Lakshman required to file return, आपसे पूछ रहे सर, is Mr. Lakshman required to file return? If so, why? सर क्या इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? यस सर, यस रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। क्यों फाइल करना पड़ेगा सर? अपन पढ़ के आए, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है 1 lakh से ज्यादा एक साल में, और सर अगर फॉरेन ट्रेवल की बात होती थी तो फॉरेन ट्रेवल में लिमिट थी सर 2 lakh, अब यहां पर फॉरेन ट्रेवल के सेंस में तो बच जाएगा क्योंकि 1,90,000 हो रहा है, बट जब बात इलेक्ट्रिसिटी बिल की आती है तो ये 1,20,000 पे कर रहा है, तो सर क्या इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? यस। तो सर पहला ऑप्शन तो खत्म ही कर दो सर। क्या अगला ऑप्शन देखो, यस लक्ष्मण इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम सिंस हिज ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। नहीं सर, ये तो बात एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इसके लिए कितनी है सर? 3 lakh है, ध्यान देना, और इसकी इनकम 2,85,000 है।
अगला देखो, यस लक्ष्मण इज रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम सिंस ही पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 10,000 पर मंथ विच एक्सीड द प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट। क्या ये सही लग रहा है? यस सर, बट चौथा ऑप्शन भी पढ़ेंगे। यस लक्ष्मण इज रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम सिंस ही हैज इनकर्ड फॉरेन ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 1 लाख। नहीं सर, फॉरेन ट्रेवल के लिए लिमिट कितनी है सर? 2 लाख। समझ आया बेटा? दिमाग में ध्यान दो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 मिस्टर रोहन हैज 80 लाख ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर 111A एंड 70 लाख ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर 112A एंड अ बिजनेस इनकम ऑफ 2.90 करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? याद है अपन एक सरचार्ज से रिलेटेड कहानी पढ़ के आए थे। कहानी ये थी सर कि अगर आपकी अदर इनकम, अदर देन तीन इनकम कौन कौन सी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और डिविडेंड, ये अदर देन तीन इनकम अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक है, तो सर ये अदर इनकम पे जो टैक्स लगेगा, सरचार्ज लगने वाली बात है, वो अदर इनकम पे सरचार्ज लगेगा 25%। पर सर ये जो स्पेशल नेचर की इनकम है इस पे जो सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 15%। याद आया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है, बेसिक चैप्टर में इसको कवर करते हैं सर। जो आपकी स्पेशल नेचर की इनकम है उस पे सरचार्ज 15% है, पर बाकी जो अदर इनकम है सर अगर वो 2 करोड़ से एक्सीड हो रही है तो उस पे सरचार्ज कितना है? 25%। यही सिंपल पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो सर क्या बोल रहा है, सरचार्ज 25% लेवियबल ऑन टोटल इनकम। नहीं सर, ये तो बकवास बात है सर, पूरी इनकम में इतना नहीं लगेगा, पूरी इनकम में 15% भी नहीं लगेगा। बट सरचार्ज 15% इज लेवियबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑन अ कैपिटल गेन ऑन 1.5 करोड़। यस सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस इनकम 2.90 सरचार्ज इज एट द लेवियबल एट द रेट ऑफ 25%। क्या ये सही है? यस सर, ये बात तो बहुत सही है। अगला भी पढ़ लेते हैं। सरचार्ज एट द रेट ऑफ 50% इज लेवियबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन कैपिटल गेन ऑफ दिस मच एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस इनकम 2.90 सरचार्ज 37%। नो सर, हम पढ़ क्या है, 25% से लेवियबल होता है। समझ आया? बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था सर। लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसके बाद हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो रहते हैं वो कंप्लीट क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप एक बार रेफर कर सकते हो, उसके आंसर्स दिए रहते हैं तो उसके कंप्लीटेशन में दिक्कत नहीं आती है। ध्यान दो सर, ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। पंकज गिफ्टेड एन अमाउंट ऑफ 3 लाख टू हिज वाइफ निकी एंड 2 लाख टू हिज डॉटर पिंकी एज 20 ईयर्स। ध्यान देना सर, पिंकी माइनर नहीं है, तो सर माइनर नहीं है तो उसको जो इनकम होगी वो क्लब नहीं होगी, ध्यान रखना। On 1st April 2018, both Nikki and Pinky invested the amount on the same date in a Government of India 11% taxable bond. Sir, Pankaj ने जो अपनी वाइफ को दिया है क्या ये क्लब हो जाता है? यस सर, इसने जो इनकम दी है, मतलब कितना रुपए गिफ्ट किया? 3 लाख रुपीज। सर इस 3 लाख रुपीज से जो 11% इंटरेस्ट मिलेगा क्या ये क्लब हो जाएगा पंकज के हाथ में? यस सर। देखो द इंटरेस्ट accrues ईयरली एंड इज री इन्वेस्टेड इन द सेम बॉन्ड। सर इससे हर साल इंटरेस्ट मिलता है और वही इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं? री इन्वेस्ट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, वाइफ को एसेट मिली और उससे इंटरेस्ट मिला, वो हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा। उस इंटरेस्ट इनकम को वाइफ ने कहीं फिर से इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो इनकम होगी वो क्लब नहीं होगी। सर ध्यान से सुनो, वापस रिपीट कर देता हूं, हस्बैंड ने वाइफ को एसेट दी, उससे कुछ इनकम हुई, वो क्लब हो जाएगा हस्बैंड के हाथ में। पर सर अगर वही इनकम को वाइफ कहीं री इन्वेस्ट कर देती है और उससे कुछ इनकम होती है तो वो हस्बैंड के हाथ में क्लब नहीं होती है। सर देखो, डिटरमाइन व्हाट विल बी द अमाउंट टैक्सेबल इन द एंड्स ऑफ निकी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो सर हमें ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना है, ध्यान देना सर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कहानी इस क्वेश्चन में जो चली है ना सर, वो इस क्वेश्चन में कहानी चल रही है सर 2018 से, तो हमें कहानी थोड़ा 2018 से ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दो सर, पहले कहानी आती है सर पंकज निक्की, ये दो की मेन कहानी है। क्यों सर? पिंकी के बारे में ना कुछ पूछा है और ना पिंकी की इनकम क्लब होने वाली बात है, तो सर हमें पंकज और निक्की के सेंस में याद रखना है। ध्यान देना सर, पंकज ने, ध्यान दो, पंकज ने निक्की को कितना रुपए दिया था सर? 3 लाख रुपीज। इसमें इसको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 11%। तो सर पंकज ने निक्की को जो 3 लाख रुपीज दिया है, ध्यान दो, उसमें इंटरेस्ट कितना मिला है? 11%, 33,000 मिला निक्की को है। क्लब किसके हाथ में हो जाएगा सर? पंकज के हाथ में। ये कब की कहानी पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं 1819 में 33,000 किसको मिल गया सर? निकी को मिल गया, पर क्लब किसके हाथ में हो जाएगा? पंकज के हाथ में। अब निकी ने इसको री इन्वेस्ट कर दिया सर। अब अगर निकी ने इसको री इन्वेस्ट किया, ध्यान से सुनना सर, तो सर री इन्वेस्ट करेगी तो सर 1920 में
पहले तो ये 3 लाख है, ध्यान से सुनो सर, ये जो 3 लाख हस्बैंड ने वाइफ को दिया था सर, पंकज ने निक्की को दिया था, पहले तो इस पे 33,000 मिलेगा सर। और ये जो निक्की ने री इन्वेस्ट किया है, इस री इन्वेस्टमेंट में भी इसको क्या मिल जाएगा, 11% इंटरेस्ट। तो सर कितना मिल जाएगा, 33,000 इंटू 11% 3630। सर क्या ये अमाउंट क्लब होगी? नो सर, ये निक्की के हाथ में ही टैक्सेबल है, क्योंकि सर देखो 31 मार्च 2019 को इसको 33,000 मिला होगा, किसको, निक्की को, ये पंकज के हाथ में क्लब हो गया। अगले साल निक्की ने सर क्या उसको री इन्वेस्ट किया, यस सर, तो निक्की को भी तो इंटरेस्ट मिल गया होगा इसमें 11%। तो ये जो निक्की को इंटरेस्ट मिला, क्या ये क्लब होने वाली बात है? नो सर, ये क्लब होने वाली बात नहीं है। समझ आया? आगे देखो, अगला ध्यान देना सर, बहुत मजेदार है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। 33,000 प्लस 33,000 दो बार हो गया सर। अब बात आती है सर 2021 में। अब देखो निक्की ने सर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, 33,000 जो 18-19 का था, 33,000 जो 19-20 का था, प्लस 3630 जो इसको भी मिला था जो क्लब नहीं हुआ था, इतना इसने क्या किया, री इन्वेस्ट कर दिया। तो री इन्वेस्ट कितना अमाउंट है सर, ये आ जाएगा 66,000 प्लस 3630, ये आ जाएगा सर 69630। सर इतना अमाउंट री इन्वेस्ट है सर, क्या इस पे भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा 11%? यस सर, इस पे भी इसको इंटरेस्ट मिला सर 7659 इतने का इसको इंटरेस्ट मिला। और यहां पर भी 33,000 बेसिक तो मिलेगा ही सर, 3 लाख का 11% तो इसको बेसिक मिलेगा ही। अब कहानी देखना सर, हमें तो मेन प्रीवियस ईयर 21-22 से ही मतलब है सर, क्योंकि यही हमारे लिए रिलेवेंट है। तो सर अब यहां पर कितना अमाउंट री इन्वेस्ट हो गया सर, ध्यान दो, कितना अमाउंट री इन्वेस्ट हो गया, 33,000 18-19 का, ठीक है, 33,000 19-20 का, ठीक है, 33,000 2021 का, प्लस ये भी तो दोनों री इन्वेस्ट हुए ना सर, ये कितना री इन्वेस्ट हुए, 3630 प्लस 7659 टोटल करते सर इसको, प्लस 3630 प्लस 99,000 ये आ रहा है सर 110289। इतना पूरा री इन्वेस्टेड अमाउंट है, इस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा सर 11%, इसका 11% आ रहा है सर, 33,000 तो बेसिक है ही, 12131 या 2 ले लो सर, इतना आ रहा है सर। तो ये हमारा क्या हो गया सर 21-22 का जो निक्की के हाथ में टैक्सेबल है, किसके हाथ में, निक्की के हाथ में सर, ये रहा ऑप्शन। आई नो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा था सर, इस क्वेश्चन में जो ये मैंने आपको बना के दिया है सर, ये इसको मैं छोटा कर देता हूं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने बना के दिया है बहुत सिंपल है, आराम से पहले 33,000 में अपन ने कंप्यूट किया, फिर ये दोनों को मिला के ये कंप्यूट किया और इसको भी ऐड किया इसमें, ठीक, फिर हमने क्या किया, ये तीनों को मिलाया और सर इन दोनों को भी क्या किया, यहां लेके आए और इस घर लेके गए। तो सर सिंपल है, आराम से मैंने आपको कंप्यूट करके बताया, आखिरी में कैलकुलेट करके बताया, फिर भी अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो तो पूछ सकते हो। ये क्या करा अपन ने, एमटीपी 1 कंप्लीट करी, किसकी, डीटी की। अब सर एमटीपी 1 जीएसटी की भी क्वेश्चंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। समझ आया? कोई डाउट क्वेरी बिंदास पूछना, मैराथन डले हुए इनकम टैक्स जीएसटी के, वो भी देख सकते हो सर, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम में, बस बैठ के अच्छे से पढ़ना है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।